जब भी सरकार का कोई भी बजट आता है, किसी भी सरकार का, तो सत्ता पक्ष के लोग जो है हर विभाग के ऊपर मेज थपथपा करके कहीं ना कहीं सरकार की उत्साहवर्धक करते हैं उसको, और ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश करते हैं कि बजट प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है, आम आदमी को इस बजट से रात भी मिलेगी और फायदा भी पहुंचेगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि बजट में मुश्किल से 2-3 बार सत्ता पक्ष के लोगों ने मेज थपथपाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने 2.5 घंटे तक लगातार इस बजट की किताब को पढ़ने का काम किया। और ये कह रहे थे कि इस बजट का असर जो 25 वर्ष तक रहेगा, इसका फायदा लगातार 25 वर्ष तक लोगों को मिलेगा। डिपार्टमेंट वाइज बता रहे थे मुख्यमंत्री, मैंने इतने परसेंट, किसी में 16%, किसी में 18%, किसी में 20%, 60% तक की भी बढ़ोतरी बताई। बड़ी हैरानी की बात है, बढ़ोतरी बता दी 60% की। और बजट के अंदर जो है सरकार ने जो पिछले वर्ष का बजट था जिसमें सिवाय कर्जे के कुछ नहीं था, इस वर्ष भी जो कर्ज लिया है कर्जे के सिवाय कुछ नहीं है। और वो कर्जा लिया किस लिए है? कोई भी आदमी जब कर्जा लेता है कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेता है, कोई अपनी खेती को बढ़ाने के लिए लेता है। सरकार अगर कर्ज लेगी तो लोगों के विकास में पैसा खर्च हो, लोगों की जरूरतें पूरी हो, इसके लिए लिया जाता है। इन्होंने जो कर्ज लिया है उसकी बात है, वो केवल इसलिए कर्ज लिया है कि पिछला जो कर्ज इनके ऊपर है जो 56,346 करोड़ रुपया बनता है, जो पिछला कर्ज है, जो देना है सरकार ने, वो इतना बनता है। और इस वर्ष जो है जो कर्जा लिया है, नया जो कर्ज लिया है, वो कर्ज इस कर्जे को उतारने के लिए लिया है। अब भी जो कर्जा दे रहे हैं, कर्ज की अदायगी जो है, जो देनदारी है, वो 35,052 करोड़ रुपए है। और कर्जे की जो सेवाएं हैं, ब्याज जो है, वो बनता है इनका 21,294 करोड़ रुपए। इस सारे को अगर हम जोड़ते हैं तो ये बन गया कोई 56,346 के करीब, इतना बन गया। ये पैसा सिर्फ इसलिए लिया गया है कि इसको, इस पैसे को, कर्जे को कर्जे के रूप में उतार दिया जाए, तो फिर विकास कैसे होगा? फिर किस बिना पे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने 15% बढ़ा दिया, कहीं 20% ज्यादा करेंगे, कहीं 50%, 60%, फिर वो पैसा कहां से आएगा? पैसा जो दिया है, दिखाया है, अगर आप उस बजट की किताब को पढ़ते तो उसमें क्लियर है कि कर्जा लिया इसीलिए लिया है कि कर्जा देना है वापस। अगर ये कर्जा वापस नहीं करेंगे तो आइंदा कर्जा भी नहीं मिलेगा, इसलिए कर्ज लेकर के कर्ज उतार रहे। आपको मैं एक छोटा सा मामला बताया, तो मैंने अब तक सारा डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन मोटा मोटी जो चीजें हैं जो हमारे हरियाणा के साथ महत्वपूर्ण मानी जाती है, हमारे यहाँ 5-6 चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, सिंचाई है, परिवहन है, सड़क का मामला, और उसके इलायदा ग्रामीण विकास। ये 7-8 मद ऐसे हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी स्टेट के लिए। और बहुत चीजें हैं जिनमें पैसा चाहिए खर्च करने के लिए,
लेकिन जो जरूरी है वो मैं आपके बता रहा हूं। एक इकोनॉमी सर्विस हेड माना जाता है जिसमें चार पांच डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें कृषि है, सिंचाई है, परिवहन है और ग्रामीण विकास है। इसके लिए पिछला जो सड़क का है, इसके लिए पिछला जो बजट का खर्च किया गया था वो था 25.14%, और अब की बार जो है ये तो ये कह रहे हैं कि हमने बढ़ाया 15%। तो बढ़ाया तो फिर इसमें कम क्यों कर दिया, यहां बढ़ाना चाहिए था, कृषि का उत्पादन बढ़े इसके लिए कृषि पे पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए था,